दोस्तों आज मैं गुजरात के वलसाड जिले के धर्मपुर में आया हुआ हूँ। धर्मपुर वलसाड में एक छोटा सा तहसील है। गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश धर्मपुर और कपराड़ा में होती है, तो आज मैं इस वीडियो में धर्मपुर में आया हुआ बरुमार टेम्पल, मान नदी और बिलपुड़ी गांव में आया हुआ मावली माता वाटरफॉल, जिसे जोड़िया धोधपी कहते हैं, वह कवर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह बरुमल शिव मंदिर का गेट है, आसपास दो हाथी है और ऊपर हनुमान जी की मूर्ति है। यह मंदिर का अंदर का पैसेज है। यह मंदिर की मुख्य सीढ़ियां है। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है, इसलिए मैं अंदर से तो आपको मंदिर नहीं दिखा सकता, लेकिन बाहर मूर्तियां की फोटो लगाई गई है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यह भावेश्वर भगवान की मूर्ति का फोटो है और नीचे फ्रूट, दूध और दिए वगैरह के चढ़ावे का प्राइस लिखा हुआ है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की भी मूर्ति है। यह भावेश्वर भक्त निवास है, जहाँ आप रह सकते हैं। यहाँ श्री सदगुरु धाम संचालित श्री कृष्ण गोपाल गौशाला भी है, जिसमें आप लड्डू, चारा वगैरह का दान कर सकते हैं। यह मुख्य मंदिर का शिखर है। यह यज्ञशाला है, जिसमें यज्ञ हो रहा है। यहाँ गरीब आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। मंदिर में एक सुंदर बगीचा भी है। यह है श्री शनिदेव जी की मूर्ति। यह है शीतला माता और संतोषी माता की मूर्ति। यह है रुक्मणी माता और विठ्ठल भगवान की मूर्ति। यह है श्री शनिशिला छाया देवी। मुख्य मंदिर के पीछे एक गुफा है, जिसमें लाइन में यह छोटे छोटे मंदिर है। यह मंदिर, यज्ञशाला, बगीचे और अतिथि निवास की फोटो है। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर 700 आदिवासी बच्चियों की शिक्षा निःशुल्क की जा रही है, जिसमें 300 बच्चियों को सरकारी ग्रांट मिलती है और 400 बच्चियों का खर्च ट्रस्ट की ओर से संभाला जाता है, और गरीब एवं आदिवासी समाज के लोगों के औषध और उपचार व्यवस्था में ट्रस्ट की ओर से मदद की जाती है। बाकी मंदिर परिसर बहुत बड़ा है। सामने अन्न क्षेत्र है। अब हम मान नदी के पास जाने वाले हैं, जो बरुमल मंदिर के बिल्कुल ही पास में है। सामने बरुमल मंदिर है और यहाँ पर मान नदी है। वहां पर एक छोटा सा चेक डैम भी बनाया हुआ है। नदी का पानी काफी तेज गति से बह रहा है। अब हम मावली माता वाटरफॉल, जो बिलपुड़ी गांव के पास है, वहां पर जाने वाले हैं। इस वाटरफॉल को जोगिया धोध भी कहते हैं। वाटरफॉल को गुजराती में धोध कहते हैं। हाईवे से इस बेजपाड़ा के रास्ते पर मुड़ जाना है। रास्ता बहुत ही सुंदर है। हाल ही में बारिश हुई है, इसलिए पानी भी काफी ज्यादा है। नजारा काफी खूबसूरत है। जोड़िया वाटरफॉल तक जाने के दो रास्ते हैं,
जिसमें यह मंदिर वाला रास्ता जो बाद में आता है, वहाँ से आप वाटरफॉल के ऊपर की साइड चले जाएंगे। वाटरफॉल को सामने से देखने के लिए सबसे पहले जो रास्ता आता है वहाँ से जाना है, क्योंकि यह सुनसान जगह है और मैं शाम को 6 बजे गया था, इसलिए मेरे अलावा कोई नहीं था। इस वजह से मैं गलती से दूसरे रास्ते पर चला गया। तो अगर आप यहाँ पर आए तो सबसे पहले जो रास्ता आता है वहाँ से वाटरफॉल देखने जाना। मुझे रास्ते में एक भी टूरिस्ट नहीं दिखा है, हालांकि इस वाटरफॉल की ऊंचाई काफ़ी कम है। देखिए, इस रास्ते से मैं वाटरफॉल की ऊपर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ से पानी गिर रहा है। जोड़िया वाटरफॉल सामने से कुछ इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, धर्मपुर कवर करने की यह मेरी छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ढेर सारे कमेंट कीजिए, जिससे हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।